गुड मॉर्निंग बच्चों बच्चों इस समय जो हमारा चैप्टर चल रहा है वो चैप्टर चल रहा है मैग्नेटिज्म एंड मैटर और ये मेरा इसका चौथा वीडियो है। बच्चों आज के वीडियो में हम दो इम्पोर्टेंट फैक्टर के बारे में पढ़ेंगे जिससे हम किसी मटेरियल को मैग्नेटाइज करते हैं। ठीक है बच्चों, तो वो दोनों फैक्टर है हमारे मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी एंड इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। ठीक है बच्चों, ये दोनों फैक्टर काफी इंपॉर्टेंट है, सुनने में एक जैसे लगते हैं लेकिन होते अलग अलग हैं। कैसे अलग होते हैं, क्या इसका कंसेप्ट, वो मैं आज आपको अपने वीडियो में बताऊंगा। बच्चों मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि मेरे को एक खूबसूरत सा चैनल मेरी बेटी वंशिका अग्रवाल ने बना करके दिया है जिसका नाम इसने रखा है मेरे पिताजी की पाठशाला, और इस पाठशाला में मैं आपको पढ़ा रहा हूं फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ। तो बच्चों ज्यादा बातें ना करते हुए मैं आज का टॉपिक स्टार्ट करता हूं। तो आज मेरे यूट्यूब चैनल मेरे पिताजी की पाठशाला पे मेरे पापा आपको पढ़ाएंगे, तो मैं पीछे आते हूं, मेरे पापा आपको पढ़ाएंगे। तो बच्चों हम पढ़ रहे हैं चैप्टर मैग्नेटिज्म एंड मैटर। ठीक है बच्चों, और बच्चों आज के वीडियो में हम ये पढ़ेंगे कि हम जो है मैग्नेट बनाते कैसे हैं, और बच्चों मैग्नेट जब हम बनाते हैं तो बच्चों उसमें कितना मैग्नेटाइजेशन होता है, मतलब उसमें कितना मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी आती है, वो किन फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले बच्चों आप हेडिंग डाल लीजिए, ठीक है, यहां पे हेडिंग डाल लीजिए सम इंपॉर्टेंट फैक्टर्स टू डिस्क्राइब द मैग्नेटिज्म ऑफ ए मटेरियल। ठीक है, मैग्नेटिज्म ऑफ मटेरियल मतलब जब हम किसी मटेरियल को मैग्नेटाइज कर रहे हैं तो उसमें मैग्नेटिज्म की कितनी प्रॉपर्टी आ रही है, उसके कुछ बच्चों फैक्टर्स होते हैं, वो फैक्टर्स क्या होते हैं वो मैं आज आपको बता रहा हूं। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि हम मैग्नेट बनाते कैसे हैं। ठीक है, जैसे आप लोगों ने मैग्नेट से बहुत खेला होगा, मैग्नेट बनाते कैसे हैं, तो क्या करते हैं बच्चों कि हम उसको एक किसी भी मटेरियल को लेकर के जो मैग्नेट आराम से बन जाता हो उसको हम क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड में रख देंगे, तो वो थोड़ी देर बाद जो है जितना भी टाइम ले, एक दिन, एक घंटा, महीना भर, जितना भी ले, उसके बाद वो जो है अपने आप उसके अंदर मैग्नेट की प्रॉपर्टीज डेवलप हो जाती है और वो मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगता है। ठीक है बच्चों, तो ये इस तरीके से हम मैग्नेट बनाते हैं। ठीक है, जैसे एक तरीका ये भी है कि अगर हम अर्थ के अंदर किसी मटेरियल को जो है थोड़े दिन के लिए जो है दबा दें तो हो सकता है कि उसके अंदर जो है मैग्नेट की प्रॉपर्टीज आ जाए, कम आए ज्यादा आए वो बात अलग है। ठीक है, तो बच्चों क्या होता है कि हम मैग्नेट बनाने के लिए क्या करते हैं कि किसी मटेरियल को, ठीक है, मटेरियल को क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड में बच्चों हम रख देते हैं। ठीक है, रख देते हैं तो थोड़ी देर बाद वो मटेरियल जो है मैग्नेटाइज हो जाता है। ठीक है, और मैग्नेट बन जाता है, उसके अंदर मैग्नेट की प्रॉपर्टीज आ जाती है, ये प्रोसेस है मैग्नेट बनाने का। ठीक है बच्चों, अब देखिए बच्चों इसके कुछ फैक्टर्स हैं, पहले आप उसको नोट कर लीजिए और फिर हम आपको एक एक फैक्टर बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। तो बच्चों सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है बच्चों वो होता है हमारा मैग्नेटिक फील्ड, इसको नोट करिए मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, जिसमें हम रखेंगे मटेरियल। ठीक है बच्चों, अब देखिए बच्चों इसके साथ एक हमारा जो टर्म जुड़ा होता है वो होता है मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, वो हमारा सिंपल सा होता है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, मतलब हमारी मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी कितनी है। ठीक है, ज्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, कम होगी तो कम मैग्नेट इंटेंसिटी का मैग्नेट बनाएगा, ज्यादा होगी तो ज्यादा इंटेंसिटी का मैग्नेट बनाएगा, इस बात को आप ध्यान देंगे सबसे पहले। दूसरी चीज बच्चों यहां पर होती है हमारे पास मैग्नेटाइजेशन। ठीक है, मैग्नेटाइजेशन मतलब क्या हुआ कि इस मैग्नेटिक फील्ड ने कितना मैग्नेटाइजेशन किया उस मटेरियल का जो इस मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि हमने एक मटेरियल किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा, वो मैग्नेटाइज हो गया, तो कितना मैग्नेटाइज हुआ ये बच्चों हम जो है टर्म से डिनोट करते हैं मैग्नेटाइजेशन,
और बच्चों कितना मैग्नेटाइज हुआ इसको हम मेजर करते हैं, तो बच्चों उसके लिए हमारा जो है टर्म यूज होता है वो होता है इंटेंसिटी, वो होता है बच्चों हमारा इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। सिंपल सी बात है, दो बात है, एक है मैग्नेटिक फील्ड, दूसरा है मैग्नेटाइजेशन। यहां पर होता है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी और यहां होता है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। बच्चों ये दोनों टर्म एक जैसे साउंड करते हैं लेकिन जो है अलग अलग है, इसलिए कंफ्यूजन बहुत क्रिएट होता है। मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, बार बार बोलूंगा, दोनों की मीनिंग को मैंने बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर दिया, अंतर होगा लेकिन फिर भी आप बार बार जब बोलेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि अंतर क्या है। ये है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है, और ये है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। बच्चों ये देखिए ये क्या है, कॉज है, ठीक है, ये क्या है, कॉज है, इससे हमारा मैग्नेटाइजेशन प्रोड्यूस हो रहा है। और बच्चों ये क्या है, ये है इफेक्ट, ठीक है, ये है हमारा इफेक्ट, ठीक है, ये हमारा इफेक्ट है, इस तरीके से नोट कर लीजिए। बच्चों ये भी हमारा वेक्टर क्वांटिटी है, ये भी हमारा क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, और ये भी हमारा जो है वेक्टर क्वांटिटी है। बच्चों इसको हम डिनोट करते हैं एच से और इसको डिनोट करते हैं कैपिटल एम से, ठीक है, कैपिटल एम से। अब बच्चों हो सकता है आपको ये बात ना अभी समझ में आ रही हो या आपको थोड़ा सा दिमाग में हो कि ये क्या बला है, ऐसा लगता है क्योंकि काफी कंफ्यूजिंग और टिपिकल कंसेप्ट है ये, मुझे को पहली बार में नहीं समझ में आया, दूसरी बार में नहीं समझ में आया, सालों नहीं समझ में आया और अंत में समझ में आया। तो जैसे समझ में आया मैं वही लैंग्वेज यूज करके आपको एक बात समझाऊंगा, टेक्निकल वर्ड भी यूज करूंगा और प्रैक्टिकल वर्ड भी यूज करूंगा। आप यहां पर ऐसी बात समझो कि मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, बारिश है, ठीक है, ये क्या चीज है, बारिश, क्या हुआ, पानी बरस रहा है, क्या हुआ, बरसात हो रही, ठीक है, बरसात हो रही है, इसको आप ऐसे समझो। और बच्चों ये चीज क्या है, ये हो आप, ठीक है, जो इस बरसात में भीग रहे हो, क्या हुआ, इस बरसात में आप भीग रहे हो, आप ऐसे आप इस बात को समझ लो, इस बरसात में आप भीग रहे हो, ठीक है। बारिश क्या हुई, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, और आप भीग गए यानी उस बरसात से यानी उस मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी से आप जो है मैग्नेटाइज हो गए। अभी बात आप इसमें इस तरीके से समझो, ये अभी काफी टिपिकल मैटर है, ठीक है। साउंड एक जैसा करता है, जैसे क्या हुआ कि बारिश में क्या है, पानी बरस रहा है और हम भीगे किससे, पानी से बरसे, भीगे तो बच्चे यहां भी पानी, यहां भी पानी, पानी बरसा, हमारे ऊपर पानी पड़ा तो हमारे अंदर भी पानी पानी आ गया, तो यहां भी पानी से हम भीग गए, ये पानी बरस रहा है, ये पानी हम पे पड़ रहा है, तो नीचे भी पानी ऊपर भी पानी, ये हुआ रिजल्ट। देखिए दोनों जगह पानी और दोनों जगह जो है एक जैसा होता रहा। वैसे क्या होता है कि होता यहाँ पे ये है कि फील्ड मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी और इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन एक जैसा साउंड करता है लेकिन अलग अलग है। देखिए बारिश क्या है, कॉज है, और भीगना क्या है, इफेक्ट है, इसीलिए मैंने आपको बताया कि ये जो है कॉज है, ये इफेक्ट है। मैग्नेटिक फील्ड में हमने कोई मटेरियल रखा, वो मैग्नेटाइज हो गया, कितना मैग्नेटाइज हुआ उसको हमने मैग्नेटाइजेशन कहा, और बच्चों कितना ज्यादा मैग्नेटाइजेशन हुआ ये हम मेजर करते हैं इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन से, ठीक है बच्चों। चलिए अब बच्चों आते हैं, बात करते हैं मटेरियल की। बच्चों हम बात करते हैं मटेरियल की कि हमारा मटेरियल जो है वो कैसे बिहेव करता है, ठीक है। तो बच्चों आप सब लोग बड़े प्यार से आप एक बात जानते हो, ठीक है, इस बात के आज बारिश वाली जो एग्जाम्पल ध्यान रखिएगा। अब मैं आ रहा हूं टेक्निकल टर्म में, ठीक है बच्चों। देखिए क्या हुआ कि हमारा कोई भी मटेरियल हो, आप सब ये बात जानते हो कि वो हमारा किससे बना है, एक एटम से बना हुआ है। एटम में क्या होता है, एक होता है न्यूक्लियस और होते हैं इलेक्ट्रॉन जो इसके चारों तरफ हमारे रिवॉल्व कर रहे होते हैं, बात आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है। तो बच्चों क्या हुआ, ये हमारा हो गया न्यूक्लियस जो कि पॉजिटिव चार्ज है, ये हो गया, और ये बच्चों हमारा इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ बच्चों देखिए क्या हुआ, रिवॉल्व कर रहा है, इस तरीके से इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है बच्चों, ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है बच्चों। जब मैंने आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाया था तो सबसे पहले एक चैप्टर था हमारा
इलेक्ट्रिकल करंट, उसमें मैंने आपको हाइड्रोजन एटम का एक सवाल कराया था कि एक हाइड्रोजन एटम में एक इलेक्ट्रॉन हमारा चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है, तो बच्चों इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है यानी कि चार्ज रिवॉल्व कर रहा है यानी कि ये करंट की तरह हमारा काम कर रहा है। तो बच्चों इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व करता है तो करंट की तरह उसको ले सकते हैं, और इलेक्ट्रॉन के रिवॉल्व करने के डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में हम क्या लेते हैं, हम करंट लेते हैं। तो अपोजिट डायरेक्शन में बच्चों हमारा ये हो गया करंट फॉर्म चल रहा है, यानी क्या हुआ कि ये हमारा क्या हो गया, एक हो गया करंट लूप, ठीक है करंट लूप ठीक। तो बच्चों ये हमारा एक करंट लूप हो गया। अब बच्चों पिछले चैप्टर में हमने बात पढ़ी थी, वो पढ़ी थी हमारी करंट लूप, करंट लूप एज ए मैग्नेटिक डाइपोल, मैग्नेटिक डाइपोल ये पढ़ा था पिछले चैप्टर के वीडियो नंबर 15 में, पूरा एक्सप्लेन मैंने किया है, देख लीजिएगा ठीक है। इसको समझना बहुत जरूरी है क्योंकि अब हम एटम को ऐसे करंट लूप ही लेंगे पूरे चैप्टर में, इस वीडियो को समझने के लिए, अगला वीडियो समझने के लिए जिसमें मैं आपको डाया पैरा और फेरो मैग्नेटिज्म समझाऊंगा, और उसके बाद वाले वीडियो में जिसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा हिस्टेरेसिस जो है एक्शन, ठीक है हिस्टेरेसिस एक्शन पढ़ाऊंगा। तो बच्चों उसमें क्या है, एटम एज ए करंट लूप काम करता है, ठीक है एटम एज ए करंट लूप काम करता है। अब बच्चों क्या हुआ, हम लोगों ने जो पढ़ा था कि अगर हमारे पास एक करंट लूप है तो इसके यहाँ पे सेंटर पे जो है यहाँ हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होगी, ये बात भी पढ़ी थी बच्चों, ठीक है बच्चों। अब देखिए आपको सारी बातें ध्यान रखनी पड़ेगी, ठीक है बच्चों। क्या हुआ था, हम लोगों ने बात पढ़ी थी कि हमारा जो है करंट लूप कैसे काम करता है, एक मैग्नेटिक डायपोल की तरह काम करता है। इसका पूरा कंसेप्ट आप जो है क्या कहते हैं, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म के जो है 15वें नंबर के वीडियो में आप इसको देख लीजिएगा, ठीक है। अब आइए बात करते हैं आगे की। जब ये मैग्नेटिक डायपोल होता है बच्चों, तो इसका एक डेफिनेट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होगा, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होगा, ठीक है बच्चों। जैसे हम अब लेते हैं बार मैग्नेट, बार मैग्नेट देखिए क्या हुआ, बार मैग्नेट हमारे पास इस तरीके से था, ये इसका नॉर्थ पोल, ये इसका साउथ पोल, इसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट था। बार मैग्नेट एज ए मैग्नेटिक डायपोल काम कर रहा था, जो बार मैग्नेट 01 और बार मैग्नेट 02 वीडियो में मैंने आपको बता रखा इसी चैप्टर के पहले और दूसरे वीडियो में। बच्चों क्या हुआ, ये मैग्नेटिक डायपोल है, इसका एक मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है, तो ये हमारा हो गया मैग्नेटिक डायपोल, और बच्चों इसका भी एक हमारा मैग्नेटिक डाइपोल क्या है, मोमेंट है। चलिए अब बात आगे करते हैं, ठीक है बच्चों। इसका एक साउथ पोल, इसका एक नॉर्थ पोल, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन साउथ से नॉर्थ है बच्चों। क्या होता है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को स्मॉल एम से हम डिनोट करते हैं, और बच्चों ये क्या होता है, ये होता है क्यू एम इंटू टू एल, ठीक है ये बात आप खूब अच्छे तरीके से जानते हो बच्चों। दूसरा कंसेप्ट जो मैंने आपको करंट लूप एज ए मैग्नेटिक डायपोल में बताया था, वो ये बताया था कि हमारे पास क्या होता है कि एक जो है करंट लूप इस तरीके से है, अगर उसमें जो है हमारा इस तरीके से करंट फ्लो हो रहा है, तो बच्चों इसका भी एक जो है डायपोल मोमेंट होता है जो इस तरीके से होता है, ठीक है इस तरीके से होता है। और बच्चों ये वाला साइड हमारा साउथ पोल का काम करता है, ये वाला नॉर्थ पोल की तरह काम करता है, साउथ से नॉर्थ हमारा मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होता है। और बच्चों इसमें करंट अगर हमारा आई फ्लो हो रहा है तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की जो वैल्यू होती है वो होती है हमारी आई इंटू ए, ठीक है जहां आई है हमारा करंट फ्लोइंग, करंट फ्लोइंग, और बच्चों ए जो है वो हमारा है एरिया ऑफ लूप, क्या है एरिया ऑफ लूप। ये कंसेप्ट आपको पूरी तरह आना चाहिए तभी आप ये वीडियो अगले दो वीडियो समझ पाओगे, ठीक है। तो ये पूरी कहानी हो गई। अब देखिए क्या हुआ कि हमारी जो है कोई भी एटम है उसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है न्यूक्लियस के चारों ओर, यानी कि एक करंट लूप बन रहा है, और करंट लूप बन रहा है तो बच्चों हमारा क्या हुआ, उसका एक मैग्नेटिक डायपोल हो गया, और मैग्नेटिक डायपोल है तो बच्चों उसका एक मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होगा, और बच्चों मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होगा तो बच्चों उसके अंदर मैग्नेट की प्रॉपर्टीज होगी ही होगी, ये बात बच्चों यहां पर क्लियर हो गई। अब चलिए देखिए मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट हमारा क्या होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। चलिए
इतनी बात आप नोट कर लीजिए, फिर आते हैं इसके माइक्रो ऑब्जर्वेशन पे। ठीक है, अब देखिए बच्चों क्या हुआ। ठीक है, अब देखिए बच्चों क्या हुआ कि एटम के अंदर कोई जरूरी तो है नहीं कि एक ही इलेक्ट्रॉन हो, इलेक्ट्रॉन एक भी हो सकता है हाइड्रोजन लाइक एटम में, और बच्चों हो सकता है कि हमारा एक से ज्यादा हो। ठीक है बच्चों, तो हमको बोर एटॉमिक मॉडल ध्यान रखना। ठीक है, बोर एटॉमिक मॉडल में क्या था कि हमारा एक इलेक्ट्रॉन भी था, फिर क्या होता था थोड़ी देर बाद जो है दो इलेक्ट्रॉन आ जाते थे जो कि अपोजिट डायरेक्शन में स्पिन करते थे। तो बच्चों क्या होता था कि इसमें तो हमारा डाइपोल मोमेंट होगा, ठीक है इसमें हमारा डाइपोल मोमेंट होगा, लेकिन इसका डाइपोल मोमेंट एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, क्योंकि डाइपोल मोमेंट हमारा जो है वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटी जब एक दूसरे के अपोजिट होगी तो कैंसिल आउट कर देगा। तो बच्चों जब हमारा पेयर में इलेक्ट्रॉन होगा तो बच्चों यहाँ डाइपोल मोमेंट जो है इसको रखेंगे ये जीरो हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे होगा। अब बच्चों किस एटम में हमारे कितने इलेक्ट्रॉन है ये उसको हमें देखना पड़ेगा, और बच्चों उसका जो है हमारा कॉन्फिगरेशन कैसा है वो भी देखना पड़ेगा। अब बच्चों मान लीजिए हमारे पास कुछ इस तरीके की कहानी बनती है कि हमारे पास तीन है, 2p6 वाला समझ लीजिए स्ट्रक्चर है, और बच्चों हमारे पास क्या हुआ कि इस तरीके से हमारे इलेक्ट्रॉन है, और बच्चों ये हो गया ऐसे हो गया। तो बच्चे देखिए यहाँ पे इन दो इलेक्ट्रॉन की वजह से जीरो, इनकी वजह से जीरो, और बच्चों इसकी वजह से हमारा डाइपोल मोमेंट होगा। तो क्या हुआ कि यहाँ पे क्या होगा कि स्मॉल डाइपोल मोमेंट हमारा होगा। ठीक है बच्चों, और मान लीजिए हमारे पास और बड़ा एटम है। ठीक है बच्चों, और बड़ा एटम है, डी ब्लॉक में चले गए हम। ठीक है, डी ब्लॉक में चले गए। ठीक, अब बच्चों क्या हुआ कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन है हर एक ब्लॉक में है, और बच्चों देखिए क्या हुआ इस तरीके से। ठीक है, अभी बस समझ में, इस तरीके से है, हमने एग्जांपल दिया, हो सकता सही ना हो। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन तो है हर ब्लॉक में, लेकिन सारे अनपेयर्ड हैं, सारे जो है सिंगल है। तो बच्चों इन सारे सिंगल इलेक्ट्रॉन का हमारा डाइपोल मोमेंट होगा, इसको पेयरिंग मिली नहीं, तो बच्चों यहाँ सबका डाइपोल मोमेंट एक ही डायरेक्शन में होगा, और बच्चों यहाँ पर जो डाइपोल मोमेंट होगा, ठीक है डाइपोल मोमेंट होगा बच्चों वो बहुत स्ट्रांग होगा। आपकी केमिस्ट्री जो है बोर एटॉमिक मॉडल की क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, खूब जो है स्ट्रांग सा हमारा डाइपोल मोमेंट होगा। मतलब क्या हुआ कि ये हमारा जो मैग्नेट बनेगा तो काफी स्ट्रांग मैग्नेट बनेगा इस मटेरियल का, इसका हल्का सा बनेगा, और बच्चा इसमें बिल्कुल नहीं होगा, इसमें भी हल्का सा होगा। मतलब डिपेंड इस बात पे करता है कि हमारे पास कितने सिंगल इलेक्ट्रॉन है किसी एटम में जो कि एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, उसी बेस पे हमारा जो है नेट डाइपोल मोमेंट आएगा, और जिसका जितना ज्यादा डाइपोल मोमेंट होगा उतना ही स्ट्रांग मैग्नेट हम उसको बना सकते हैं। आयरन में प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा पाई जाती है। ठीक है मित्रों, अब देखिए चलिए यहां पर हम आ गए, यहां पर हमने इस तरीके से कर ली बात। चलिए अब बच्चों क्या हुआ, देखिए हमारे पास मटेरियल जो है कोई भी हो उसके अंदर एटम है, और बच्चों हम पढ़ रहे हैं चैप्टर मैग्नेटिज्म। ठीक है, हमारा चैप्टर है मैग्नेटिज्म एंड मैटर। तो बच्चों देखिए क्या है, मैग्नेटिज्म एंड मैटर में बच्चों हमको पढ़ना है मैटर के मैग्नेटिज्म के बारे में, और बच्चों मैटर हमारा किससे मिलके बना होता है, एटम से मिलके बना होता है, बात को समझिएगा। और एटम में हो सकता है कि डाइपोल मोमेंट हो सकता है ना हो। तो बच्चों हम यहां पे एटम को एज ए डाइपोल लेंगे, वो भी मैग्नेटिक, एटम को हम एज ए मैग्नेटिक डाइपोल लेंगे। ठीक है, मैग्नेटिक डाइपोल हम एटम को कंसीडर करेंगे, ये बात आप देख लीजिए। ठीक है, अब हम एटम नहीं बोलेंगे, सीधे बोलेंगे मैग्नेटिक डाइपोल, और बच्चों मैग्नेटिक डाइपोल को हम रिप्रेजेंट करेंगे ऐसे। देखिए ये हो गया करंट लूप, और ये मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन हो गया, ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, अब चलिए बात करते हैं हम आगे की, यहां पे अब हम रुक जाते हैं, इतनी बात आपके क्लियर हो गई। ठीक है बच्चों, तो बच्चों अब हमें क्या करना है, किसी मटेरियल को मैग्नेट बनाना है, हमारा टारगेट जो है क्या है, किसी मटेरियल को हमें मैग्नेट बनाना है, और वो मैग्नेट बनेगा या नहीं बनेगा ये दो चीज पे डिपेंड करता है। वो पहली चीज है बच्चों, पहली चीज है हमारी, ठीक है, कि हमारी मैग्नेटिक फील्ड जो है
वो कैसी है, मतलब पहली जो हमारी चीज है मैग्नेटिक फील्ड में हम किसी को रखेंगे और बच्चों इसकी इंटेंसिटी कितनी है। तो बच्चों हम बात करेंगे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की। और बच्चों ये जो होता है हमारा, ये होता है हमारा H, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, और इसको हम H से डिनोट करते हैं। ठीक है बच्चों, यहां पर आप देखिए बात को देखिए बड़े आराम से देखिए। ठीक है बच्चों, फिर बच्चों यहां पर अगली बात आती है कि इस मैग्नेटिक फील्ड में हम कोई मटेरियल रखेंगे जिसको हमें मैग्नेट बनाना है, तो वो हमारा इसमें जाकर के मैग्नेटाइज हो जाएगा। अब मैग्नेटाइज होगा या नहीं होगा ये बात इस बात पर डिपेंड करती है कि वो मटेरियल हमारा कौन सा है, कैसा है। ठीक है, उसमें अभी थोड़ी देर में आएंगे, पहले हम देखते हैं कि हमारा मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है। तो बच्चों हम क्या करते हैं, एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करने का हमारे पास तरीका क्या है, सबसे पहले देखिए क्या होता है कि हम लेते हैं एक सोलेनाइड। ये देखिए हमने इस तरीके से हमने एक सोलेनाइड कर ले लिया, सबसे आसान तरीका है मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करने का। हमने क्या किया कि एक सोलेनाइड ले लिया और बच्चों इसमें हमने करंट जो है इधर से ऐसे छोड़ दिया, ठीक है, इधर ये निकल आया ऐसे घूमता घूमता, तो हमारे पास एक मैग्नेटिक फील्ड की जो है इस डायरेक्शन में ऐसे डेवलप हो जाएगी। ठीक है, ये नॉर्थ पोल हो जाएगा, ये साउथ पोल हो जाएगा, क्यों हो जाएगा मैं सब समझा चुका हूं। ठीक है बच्चों, तो क्या होगा कि इसके बीच में जो हमारी जो है डिपेंड करेगी मैग्नेटिक फील्ड जो होगी वो होगी सपोज के लिए वी नॉट, वो बच्चों होगी म्यू नॉट और होगी एन होगी आई। जहां पर म्यू नॉट हमारा क्या है, परमीएबिलिटी, परमीएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, ऐसे देखिए परमिटिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, ये आ गया। एन क्या था बच्चों, एन क्या था, वो था नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। ठीक है, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ। और बच्चों आई क्या था बच्चों, वो था हमारा करेंट, ठीक है, करंट फ्लोइंग इन सोलेनाइड। ठीक, सोलेनाइड, करंट फ्लोइंग इन सोलेनाइड। अब चलिए बच्चों बात करते हैं हमारा देखिए मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी किस चीज के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो बच्चों हमने जिस चीज पे देखा कि डिपेंड कर रहा है वो फैक्टर हमारा है सिर्फ एन और आई। जितना नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ होगा वो बच्चों हमारा बढ़ेगा, और जितना ज्यादा हम करंट यहां पर दे देंगे उतना ज्यादा ही हमारी जो है मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग हुई। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बच्चों डिपेंड करती है सिर्फ एन और आई के रिस्पे, और बच्चों इसी को हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, और इसको डिनोट करते हैं बच्चों एच से। ठीक है, एच इज, एच क्या हमारे पास, वेक्टर एच है, वो है बच्चों हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, ये क्या चीज है, एच होता है हमारा मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक, अब देखिए बच्चों हम यहां पर इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, वो होता है हमारा बी नॉट इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, और एन आई बच्चों हमारे पास क्या था, एच, तो ये हमारे पास इस तरीके से ये आ गया। ठीक है, तो बच्चों हमारे पास आया बी नॉट इक्वल टू म्यू नॉट बाई इंटू एच, म्यू नॉट इंटू एच, अगर हम यहां से म्यू नॉट निकालें तो बच्चों आ जाएगा हमारे पास बी नॉट अपॉन एच, इस तरीके से आ जाएगा। तो बच्चों हमारे पास एक फॉर्मूला पहला ही आता है, ये हो गया बच्चों हमारा परमीएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, परमीएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, इस चीज को आप यहां पर नोट कर लीजिए। ये वो स्पेस है जब हमारा सोलेनाइड के अंदर या तो वैक्यूम है या एयर है, तब हमारा ये परमिबिलिटी है। ठीक है, इस चीज को आप देख लीजिए, मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है परमिबिलिटी, इसको आप नोट कर लीजिए। तो बच्चों मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एच हो गया हमारा एन आई। ठीक है, अब बच्चों देखिए क्या हुआ कि यहां पर हमने सोलेनाइड में करंट डाल करके मैग्नेटिक फील्ड बना दी, मैग्नेटिक फील्ड बना दी, उसकी एक इंटेंसिटी हो गई, और इंटेंसिटी को बढ़ाना घटाना हमारे अपने हाथ में है। करंट बढ़ाएंगे बढ़ जाएगा, घटाएंगे घट जाएगा, नंबर ऑफ टर्न बढ़ाएंगे बढ़ जाएगा, नंबर ऑफ टर्न घटाएंगे घट जाएगा। ठीक है, ये हमारे आ गया इस तरह को। अब बच्चों
हम क्या करते हैं, हम एक मटेरियल लेते हैं और इसके बीच में यहाँ पे प्लेस कर देते हैं। ठीक है, अब मैंने क्या किया कि ये एक मटेरियल हम लेते हैं, इसके बीच में प्लेस कर देते हैं, तो वो बच्चों मटेरियल जो है मैग्नेटिक फील्ड में आकर के मैग्नेटाइज हो जाएगा। क्या होगा? मैग्नेटाइज हो जाएगा। और बच्चों कितना मैग्नेटाइज होगा ये बच्चों हम जो है मेजर करेंगे इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन टाइम से। ठीक है बच्चों, अब देखिए हमारा जो अगला पॉइंट आ रहा है, ठीक है, अगला पॉइंट जो हमारा आ रहा है वो देखिए हमारा आ रहा है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। अभी आते हैं बारिश और भीगने वाले कंडीशन पे। ठीक है बच्चों, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन मतलब हमने इसके बीच में मटेरियल रखा, वो मैग्नेटाइज हुआ, कितना मैग्नेटाइज हुआ वो बच्चों हम यहां से निकालेंगे इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। ठीक है, तो इसको बच्चों हम कैपिटल एम से डिनोट करते हैं, इसको नोट कर लीजिए ऐसे कैपिटल एम। ठीक, तो बच्चों देखिए क्या हुआ, मैं इसको बिगाड़ रहा हूं और अब आते हैं बच्चों हम बात पे। अब बच्चों हम बात पे आते हैं, अभी इसको रखेंगे बाद में, पहले बच्चों एक बात आते हैं। हमने एक यहां पे ले लिया मटेरियल, कोई भी मटेरियल हो सकता है। ठीक है, मटेरियल लिया, देखिए बच्चों क्या हुआ कि हमारे पास एक इस तरीके से मटेरियल है, ये मटेरियल का एक पीस है। मटेरियल के अंदर बच्चों हमारे पास खूब ढेर सारे जो है एटम है और उनका एक बच्चों डाइपोल मोमेंट है, किसी भी डायरेक्शन में हो उसका एक बच्चों हमारे पास डाइपोल मोमेंट है, इस तरीके से आप देख लीजिए। ठीक है, ये हमने अभी बताया था आपको थोड़ी देर बाद। ठीक है, ये रैंडमली इधर उधर हमारे जो है सब पड़े हुए हैं, इसका कहां पे किसका डायरेक्शन है ये किसी को नहीं पता, ये वही जाने कहां पे है। सब सारे जितने एटम उतना उनका डायपोल मोमेंट, हर एक एटम का एक डेफिनेट डायपोल मोमेंट होगा। अभी बच्चों इसके ऊपर फ्री रखा है, अभी किसी मैग्नेटिक फील्ड में नहीं रखा हुआ है। और बच्चों देखिए क्या हुआ कि क्या हुआ, डायपोल मोमेंट स्मॉल एम जो होता है ये होता है एक वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। ठीक है, अब देखिए कोई इधर है, कोई उधर है, कोई नीचे है, कोई ऊपर है, तो बच्चों इस पूरे पीस का, ये जो मटेरियल का हमारे पास पीस है टुकड़ा है, इसका जो नेट जो है डाइपोल मोमेंट है, नेट डाइपोल मोमेंट वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दे रहा है और वो है हमारा जीरो। ठीक है, वो है हमारा जीरो। बच्चों जैसे क्या हुआ कि सपोज करिए हम इसका एक थोड़ा सा वॉल्यूम काट लेते हैं, इतना वॉल्यूम हमने इसका काट लिया ऐसे। ठीक है बच्चों, और इसमें हमने देखा कि हमारे पास क्या है कि एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है, तो बच्चों अगर हम यहां पे निकालेंगे, ठीक है, हम निकालेंगे एम, ठीक है, तो वो आएगा हमारा टोटल मॉलिक्यूलर सॉरी टोटल डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है बच्चों, इसमें जितने भी हमारे पास एटम है उनका डाइपोल मोमेंट लिया और जितना वॉल्यूम आया ये हो गया। तो बच्चों हमने क्या किया, एक तरीके से एक फैक्टर निकाला, वो निकाला कैपिटल एम, और बच्चों को हुआ हमारे पास नेट डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, और बच्चों इसी को नाम दिया गया जो है इंटेंसिटी, क्या दिया गया, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन इसी को दिया गया। अब बच्चों इस समय नेट मोमेंट हमारा जीरो है, तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन भी हमारा क्या हुआ, हो गया जीरो। ठीक है, ये बात आप देख लीजिए, जीरो इसलिए है क्योंकि एक मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का ऐसे है तो दूसरे का ऐसे है, तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दिया तो हो गया जीरो। ठीक है बच्चों, अब देखिए क्या हुआ कि हमने इस पीस को उठाया, इस पीस को उठाया और मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया। ठीक है, देखिए इसको पीस को उठाया और मैग्नेटिक फील्ड में हमने इसको रख दिया, तो बच्चों जब इसको मैग्नेटिक फील्ड में हम रखेंगे तो बच्चों एक हमने तो पढ़ा था, ठीक है, टॉपिक पिछले वीडियो में, वो पिछले चैप्टर की वीडियो में, वो था टॉर्क ऑन ए मैग्नेटिक डाइपोल, टॉर्क ऑन ए मैग्नेटिक डाइपोल प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, अगर आपको याद, ठीक है, टॉर्क ऑन ए मैग्नेटिक डाइपोल प्लेस्ड इन
मैग्नेटिक फील्ड। उसमें क्या था बच्चों कि हमारे पास इस तरीके से एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप थी, ठीक है, और उसमें हमने एक जो है डाइपोल को ऐसे रखा तो इसके ऊपर एक टॉर्क लगता था, ये वाला कांसेप्ट था, ठीक है, इसको याद कर लीजिए बच्चों, यही यहां पे हम यूज करने जा रहे हैं, ठीक है, इसको हम यहां पे यूज करने जा रहे हैं। देखिए होगा क्या, हमने इस मटेरियल को उठा करके सोलेनाइड के बीच में रख दिया, ठीक है, हमने क्या किया कि इस मटेरियल को उठा करके सोलेनाइड के बीच में हमने इसको रख दिया। तो देखिए हुआ क्या, बस यहीं से सारा कंसेप्ट निकलता है। देखिए मैं फिर से बना रहा हूं इस मटेरियल को, ये हमारे पास मटेरियल का हो गया पीस, ठीक है, मटेरियल का पीस हो गया, और देखिए इस तरीके से ये आ गया, इस तरीके से ये आ गया, ठीक है, ठीक, ये देखिए इस तरीके से आ गया, ठीक है, ये हमारे पास क्या था इनिशियल, जब इसके ऊपर कोई मैग्नेटाइजिंग फील्ड नहीं थी, ठीक है, हमारे पास कोई मैग्नेटाइजिंग फील्ड नहीं थी, तो बच्चों इसका जो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन था वो बच्चों एम बाई वी, वो आया था जीरो, ठीक है बच्चों। अब देखिए हमने क्या किया कि इस मटेरियल को उठा करके सोलेनाइड के बीच में रख दिया, यानी कि बच्चों क्या हुआ कि ये हमारे पास देखिए मटेरियल है ऐसे, और इसको एक हमने मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड में हमने रख दिया इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से रख दिया। तो बच्चों इसके अंदर जितने भी डाइपोल थे उसके ऊपर टॉर्क लगा और वो सब बच्चों सीधे हो गए, ठीक है, इस डायरेक्शन में हमारे एलाइन हो गए, ठीक है, टॉर्क लगने पे क्या हुआ, टॉर्क लगने पे मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में मैग्नेटिक डायपोल टर्न कर जाता है था, तो जो ऐसे ऐसे उल्टे सीधे पड़े थे सारे के सारे उल्टे टर्न हो गए, मतलब एक जैसे सीधे हो गए। अब जब ये सीधे हो गए तो बच्चों क्या हुआ, देखिए ये हुआ बी, जब ये सीधे हो गए मैग्नेटिक फील्ड की वजह से एटम के डाइपोल मोमेंट अलाइन हो गए, एक डायरेक्शन में हो गए, सारे होते भी हैं सारे नहीं भी होते, हम अभी मान के चलते सारे हो गए, तो बच्चों ये वाला पीस हमारा क्या हो गया, ये हो गया बच्चों हमारा मैग्नेटाइज, ठीक है बच्चों, ये क्या हो गया, ये हमारा मैग्नेटाइज हो गया। अब बच्चों देखिए क्या हुआ, अब देखिए यह क्या हुआ कि हमने अभी थोड़ी देर पहले ये निकाला था कि छोटा सा टुकड़ा लिया था उसमें देखा था कितना है, तो बच्चों क्या हुआ हमारे पास कि हमने फिर एक छोटा सा टुकड़ा लिया हमने यहाँ पे, और बच्चों देखिए क्या हुआ वहां पर फिर हमने निकाला कैपिटल एम, तो ये हुआ नेट मैग्नेटिक डाइपोल, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। तो बच्चों देखिए पहले तो इधर ऐसे ऐसे था तो कैंसिल कर दिया, अब बच्चों सारे एक ही डायरेक्शन में कैंसिल तो होगा नहीं, तो बच्चों यहाँ पे कोई ना कोई नेट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट मिलेगा, और बच्चों उसको हम मान लेते हैं कि वो स्मॉल एम बटे वी है, ये हो गया कैपिटल एम। अब ये जीरो नहीं होगा, मतलब क्या हुआ कि इसके पास एक डेफिनेट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट आ गया और ये मटेरियल हमारा हो गया मैग्नेटाइज, ठीक है बच्चों, ये मटेरियल हमारा क्या हो गया, मैग्नेटाइज हो गया, ठीक है, बात आपको समझ में आ गई होगी कि मैग्नेटाइज कैसे होता है, ठीक, ये हमारे पास आ गया। अब देखिए बच्चों आते हैं बारिश और भीगने वाला एग्जांपल जो मैंने अभी आपको दिया था उसके, मैंने बताया था कि मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या थी, हमारी बारिश थी, और मैग्नेटिक इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन एम हमारा क्या था कि जो हम भीग रहे हैं वो, ठीक। अब देखिए क्या होता है, होता यह है कि बच्चों मान लीजिए बारिश बहुत ढेर सारी हो रही है, बहुत भयंकर बारिश हो रही है, ठीक है, बहुत जबरदस्त बारिश हो रही है, वो हमारा क्या चीज डिफाइड करेगा, चलिए मैं लिख देता हूं तो बात समझ में आ जाएगी। एक फैक्टर हमें दो फैक्टर में पढ़ना है, उसमें बहुत कंफ्यूजन है, सबसे पहले हमारा है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, और वो बच्चों है हमारी एच, और इसको हमने क्या किया बारिश, इसको हमने बारिश माना, और बच्चों हमको क्या स्टडी करना है वो है हमारी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटाइजेशन ये हमारा कैपिटल एम, और ये कौन है, ये है आप जो इस बारिश में भीग रहे हैं,
या भीग सकते हैं, बारिश में भीग रहे हैं, मतलब क्या वो मैग्नेटाइज हो रहा है, इस टाइप से हो गया। अब इसी बात को ध्यान में रखिए, इस मैटर को समझिएगा। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन यानी बारिश, मतलब कितनी बारिश हो रही है, कम भी होती है, तेज भी होती है, मीडियम भी होती है, तो ये हमारा डिपेंड करेगा इंटेंसिटी यानी मैग्नेटाइजेशन, मतलब क्या हुआ कॉज, कॉज है ये हमारा, ठीक है, कॉज बारिश हमारा कॉज है किसको, हमारे भिगाने को। तो क्या हुआ कि ये हमारा कम है, तेज है, बहुत तेज है, ये डिपेंड करता है कि इंटेंसिटी मैग्नेटाइजिंग फील्ड की हमारी कितनी है। अब जो है बच्चों इसमें हम रहे हैं भीग, तो भीगने में क्या हुआ कि हम कितना ज्यादा भीग रहे हैं, अब ये भी अपने इंटेंसिटी पे डिपेंड करेगा और ये भी हमारी कंडीशन पे डिपेंड करेगा कि हम किस कंडीशन में है, ठीक है, हम किस कंडीशन में है ये इस पर डिपेंड करेगा। अब देखिए क्या होता है यहां पर, अब देखिए क्या होता है कि सपोज करिए देखिए ये बात मान के चलिए कि सपोज करिए कि बहुत ज्यादा तेज बारिश हो रही है, सपोज करिए कि इंटेंसिटी हमारी मैग्नेटिक फील्ड की बहुत ज्यादा है, मतलब बारिश बहुत तेज हो रही है, लेकिन हम ऐसी कंडीशन में हैं कि हमारे ऊपर एक भी बूंद पानी का नहीं पड़ेगा, हम फर्स्ट क्लास अपने घर में हैं, थर्ड फ्लोर पे हैं, अपने कमरे में लेटे हुए हाथ में रिपोर्ट में लेकर के टीवी देख रहे हैं, आराम से बारिश हो रही हुआ करे, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ा हमारे ऊपर, मतलब हुआ कि हम बिल्कुल नहीं भीगे पानी में, यानी कि हमारे ऊपर चाहे जितना भी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी हो लेकिन हमारी कंडीशन ऐसी थी कि हमारा कोई मैग्नेटाइजेशन हुआ ही नहीं, कंडीशन पे डिपेंड करता है, यानी कि क्या हुआ ये जो मटेरियल था वो हमारा ऐसा था जो मैग्नेटाइज हो ही नहीं सकता, लकड़ी हो गई, मोम हो गया, इस टाइप का हुआ, तो मतलब ये कहानी पे यहाँ पे आकर के बिगड़ गई, कोई फर्क नहीं पड़ा बारिश हो गया। अब देखिए दूसरी कंडीशन होती है कि सपोज करिए कि हम जो है बारिश हो रही है हमारी, ठीक है, काफी तेज हो रही है, और हम अपनी कार लेकर के निकल गए, मार्केट में निकल गए, ठीक है, किसी भी तरीके से निकल गए, और बच्चों हम जो है उसमें चल रहे थे बारिश में, तो थोड़ी बहुत जो है जब हम निकलेंगे बाहर तो बहुत हल्का फुल्का सा पानी की बूंदे हमारे ऊपर पड़ जाएंगी, थोड़ा बहुत भीगेंगे, ज्यादा नहीं भीगेंगे जैसा पहला कंडीशन में था, तो वो भी हमारी कंडीशन पे डिपेंड कर रही है। अब बच्चों मान लीजिए तीसरी कंडीशन आती है कि हम छतरी लेके बारिश में जा रहे हैं, तो बच्चों हम छतरी से थोड़ा दूर तो बच सकते हैं, लेकिन छतरी ज्यादा जो है हमको अम्ब्रेला जो है बचा नहीं पाता पानी से, पैर भीग जाते हैं, हमारा सामान होता भीग जाते हैं, हाथ हमारे भीग जाते हैं, लेकिन सिर बचा रहता है, तो थोड़ा बहुत मतलब क्या वो बारिश का इफेक्ट आया, और बहुत तेज बारिश पड़ेगी तो हम भीगेंगे। तीसरी और लास्ट कंडीशन होती है बच्चों, तीसरी और लास्ट कंडीशन होती है कि पानी बहुत तेज बरस रहा है, और बच्चों हम ऐसी कंडीशन में है कि हम अपने आप को कहीं नहीं बचा सकते, हम ऊपर से लेके नीचे तक जो है ठीक है। अब देखिए क्या हुआ, जब हम बहुत तेज बारिश में पूरे आराम से खुले आसमान के नीचे चल रहे हैं, नीचे भी पानी भर गया, ऊपर से भी पानी आ रहा है, हमारे शरीर में जो कपड़े हमने पहन रखे उसमें भी पानी पानी सब पानी पानी हो गया, तो बच्चों क्या हुआ, एक तो बरस रहा है वो भी हो गया, और बच्चों जो हमारे कपड़ों ने एब्जॉर्ब कर लिया वो भी हुआ, यानी कि हम डबल मार्क ले रहे हैं, एक तो ऊपर से बरस रहा है, ऊपर जो हमारे कपड़ों में फंसा हुआ वो भी हो गया, तो इतने ढेर सारा पानी हमारे शरीर के अंदर आ गया, ठीक है बच्चों। तो क्या हुआ, टोटल पानी देखिए आप यहां पर लिखिए, टोटल पानी ऐसे आप लिखिए, टोटल बारिश का पानी जो हमने लिया वो देखिए क्या हुआ, वो हुआ बच्चों हमारा बारिश का पानी, ठीक है, बारिश का पानी प्लस पानी जो हमारे कपड़ों में है, ठीक है, कपड़ों में पानी, डबल पानी हो गया हमारा, समझ रहे हैं, इसी एग्जांपल से मैं आपको हिस्ट्री से समझाऊंगा तभी समझ में आएगा, तो ये यहां पे आ गया। तो मतलब क्या हुआ, टोटल पानी का मतलब क्या हुआ, टोटल पानी का, ये मेरे ख्याल से बात आपको समझ में आ गई होगी, मैं इसको बिगाड़ रहा हूं यहाँ पे लिखना पड़ेगा, टोटल पानी जो मैंने आपके सामने लिखा हुआ, ठीक है, ठीक बच्चों देखिए जो टोटल पानी हुआ वो बच्चों हो गया हमारे पास टोटल मैग्नेटिक फील्ड किसमें, इन मटेरियल, टोटल पानी किसमें, हमारे शरीर पे इन मटेरियल, यानी जब हमने मैग्नेटिक फील्ड में मटेरियल लग दिया तो उसके अंदर जो है मैग्नेटिक फील्ड हो गई, किसके वजह से हो गई, एक तो इसकी वजह से हो गई और दूसरा इसकी वजह से हो गई, तो बच्चों टोटल मैग्नेटिक फील्ड इन मटेरियल वो बच्चों हुआ
वो बच्चा हुआ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी प्लस, ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन डबल, ठीक है। एक तो फील्ड की वजह से हो गया और दूसरा जितना हम इंटेंसाइज हो गए उतना, यानी कि जो पानी वाला था वो और जितना हम भीग गए वो टोटल पानी हमको झेलना ही झेलना पड़ेगा। तो ये बच्चों आ गया, ये फॉर्मूला हमारा निकला। तो बच्चों मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी जो आई थी हमारी, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी जो आई थी अभी थोड़ी देर पहले हमने लिखी थी, मैं उसको लिखता हूं, उसको जरा ध्यान में रखिएगा, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी अभी सॉलेनोइड के कारण लिखी थी, वो आई थी म्यू नॉट एच, और बच्चे देखिए क्या हुआ म्यू नॉट एच, और जो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन था वो था हमारा एम वेक्टर, ऐसे था। तो बच्चों टोटल मैग्नेटिक फील्ड इन मटेरियल, ठीक है, टोटल मैग्नेटिक फील्ड इन मटेरियल, वो देखिए बच्चों हमारे पास क्या होगा, वो होगा बच्चों बी नॉट प्लस बी एम, ठीक है, बी नॉट प्लस बी एम। बी नॉट क्या हो गया मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, और बी एम हो गया इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। वो बच्चों कितना होगा, जैसे ये हो गया हमारा इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, तो इसकी वजह से बच्चों होगा ये बी एम जो होगा हमारा, बी एम जो होगा वो होगा बच्चों म्यू नॉट, वो होगा बच्चों हमारा म्यू नॉट कैपिटल एम। इस तरीके से ये हमारा आ जाएगा बच्चों, हम इसको यहाँ पे रखेंगे, ठीक है, हम देखिए इसको यहाँ पे रखेंगे, देखिए क्या हुआ, ये हो गया बच्चों म्यू नॉट, ठीक है, म्यू नॉट एच प्लस म्यू नॉट एम, ऐसे आ गया बच्चों। अभी दोनों ही जगह हमारा जो है मीडियम हमारा जो है वो वैक्यूम है, तो म्यू नॉट आ गया बच्चों। देखिए यहां पे क्या होगा, म्यू नॉट लेंगे कॉमन, तो बच्चों ये आ गया हमारा एच प्लस एम, ठीक है, ये हो गया बच्चों एच प्लस एम, ये हो गया हमारा टोटल मैग्नेटाइजेशन, ठीक है, हम इसको लिखते हैं टोटल मैग्नेटाइजेशन, इस तरीके से आ गया, इसको नोट कर लीजिए है। अब बच्चों हमारे पास में एक रिलेशनशिप होता है एच और एम के बीच में, एच एंड एम, ठीक है बच्चों, एच क्या है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है, एम क्या है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, ठीक है बच्चों। अब देखिए क्या हुआ कि एम जो है वो हमारा एच की वजह से डेवलप हो रहा है, एम क्या है वो एच की वजह से डेवलप हो रहा है, एक बात को आप समझिएगा, जो भी हमारा एम है वो एच की वजह से डेवलप हो रहा है, यानी एम डिपेंड कर रहा है एच के ऊपर, कुल मिलाकर के यहां पर क्या होता है कि M इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H होता है, ठीक है। यहां पर देखिए बारिश और भीगने वाला फंडा यहां पे लगाइएगा दोनों के ऊपर, ठीक है, हम कितना भीग रहे हैं ये डिपेंड करता है दो चीज पे कि हमारी बारिश कितनी हो रही है नंबर वन, दूसरी हमारी कंडीशन क्या है, एक चीज पे नहीं डिपेंड करता, दोनों चीज पे डिपेंड कर रहा है। तो दोनों फैक्टर को हम साथ में लेके चलेंगे कि हम कितना भीगते हैं ये डिपेंड कर रहा है कि बारिश कितनी हो रही है, पहला फैक्टर हमने लिया, अब दूसरा फैक्टर इन्वॉल्व करेंगे इसमें, तो क्या हुआ कि हमारे भीगने का जो कंडीशन है वो डिपेंड करता है कि बारिश कितनी हो रही है, पहली बात हो गई। अब दूसरा कंडीशन जब हम इसमें इन्वॉल्व करेंगे तो बच्चों यहां पर क्या होता है, यहां पर हम प्रोपोर्शनलिटी का कॉन्स्टेंट लगाते हैं, प्रोपोर्शनलिटी का साइन लगाते हैं, इक्वल टू लगाते हैं, और बच्चों यहां पर एक बच्चों फैक्टर आता है कॉन्स्टेंट, उसको बोलते हैं झाई, ठीक है, उसको बोलते हैं झाई, और बच्चों ये होता है एच। ये बच्चों आ गया हमारी कंडीशन क्या है, ठीक है, हमारी कंडीशन क्या हो, ये हो गया बारिश और ये हो गई कंडीशन, दोनों मिलाकर के हम कितना भीगे ये हमारे पास आ गया, यानी कि दोनों मिलाकर के हमारा कितना मैग्नेटाइजेशन हुआ ये हमारे पास आ गया। अब बच्चों इसको बोलते क्या है, ठीक है, एक्स नहीं है, अजीब से लैटिन वर्ड होते हैं, मुझे ये होता है, इसको बोलते हैं ससेप्टेबिलिटी, ससेप्टेबिलिटी ऑफ मटेरियल, ससेप्टेबिलिटी ऑफ मटेरियल। और बच्चों एक हमारा होता है हैं म्यू एम कर लीजिए, उसको बोलते हैं परमियबिलिटी
ऑफ मीडियम। थोड़ा मैं अभी आपको जो है प्रैक्टिकल वे में दोनों अभी आपको एक्सप्लेन करता हूं। तो ये बात आपके समझ में आ गई होगी कि हम कितना भीगे यानी कि मैग्नेटाइजेशन मटेरियल कितना हुआ वो डिपेंड करता है कि हमारी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी थी और वो मटेरियल कैसा था। ठीक है, ये हमारे पास इस तरीके से आ गया बच्चों। तो अगर हम इसको यहाँ पे इस तरीके से करें, ठीक है, इस तरीके से हम करें तो ये हो जाएगा हमारा एम अपॉन एच। इस तरीके से बच्चों आ गया और ये हमारा हो गया बच्चों एक कॉन्स्टेंट और दूसरा फार्मूला हमारे पास आ गया। ठीक है, अब बच्चों हम थोड़ा सा यहाँ पे एक बात हम कहते हैं इसको मैं बिल्कुल प्रैक्टिकल लैंग्वेज में समझाता हूं। ये देखिए क्या है परमेबिलिटी और ये है ससेप्टेबिलिटी। ठीक है, परमेबिलिटी और ससेप्टेबिलिटी दो फैक्टर है। इसको बच्चों थोड़ा सा प्रैक्टिकल वे में इसी लैंग्वेज में समझिए, थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है टेक्निकल लैंग्वेज समझने। परमेबिलिटी को आप समझ लीजिए परमिशन, ठीक है, परमिशन, और ससेप्टेबिलिटी को आप समझ लीजिए एक्सेप्टेबिलिटी। ठीक है, ये हो गया परमिनेशन और वो हो गया एक्सेप्टेबिलिटी। देखिए क्या हो गया इसमें कि दो चीज होती है, एक होती है परमिशन और होता है एक्सेप्टेबिलिटी। जैसे हम लोग जो है जो रहते हैं सोसाइटी में रहते हैं तो बच्चों कभी ना कभी किसी के बर्थडे में जाते हैं, किसी के शादी में जाते हैं या किसी भी फंक्शन में जाते हैं तो क्या होता है कि हमको इन्वाइट किया जाता है। ठीक है, इन्विटेशन क्या हुआ बच्चों, वो हुआ हमारे लिए परमिशन कि आप हमारे यहाँ आ सकते हो। ठीक है, अगर हमको परमिशन नहीं मिलेगी यानी इन्विटेशन नहीं मिलेगा तो हम नहीं जाएंगे, बात हो गई ठीक। अब बच्चों दूसरा फैक्टर आता है, दूसरा फैक्टर क्या होता है एक्सेप्टेबिलिटी। हमको किसी ने इन्वाइट किया, हमने उसको एक्सेप्ट किया या नहीं ये हम पे डिपेंड करता है। ठीक है, कैसे हमने एक्सेप्ट किया, हो सकता है कि बड़ी खुशी खुशी हम उसको एक्सेप्ट करें, हम अकेले ना जाएं, हम अपनी पूरी फैमिली के साथ जाएं और काफी बड़ा सा गिफ्ट वगैरह के लेके आएं और खूब टाइम दें, 3 दिन पहले जाएं 3 दिन बाद आएं। ठीक है, एक तो हो गया ये हमारी एक्सेप्टेबिलिटी है कि हम उनसे ज्यादा जो है लगाव रखते हैं, ज्यादा उनको मानते हैं तो हम ऐसे करते हैं। दूसरा होता है कि हाँ जाना है या फॉर्मेलिटी है या नीचा से इन्विटेशन आया। ठीक है, एक होता है कि हम नहीं जाएंगे, एक होता है कि गए फॉर्मेलिटी में गए, अच्छा तुम चले जाना यार हम तो जाएंगे नहीं, हमें उनका अच्छा नहीं लगता। तो ये एक्सेप्टेबिलिटी है इन्विटेशन की। तो पहले हमें परमिशन मिलेगी और दूसरा होगा कि हम उस परमिशन को कितना सम्मान देते हैं, ये होती है एक्सेप्टेबिलिटी और ये होती है परमिशन। बच्चों यहां पर आप एक बात देखिए, ठीक है, यहां पर बात देखिए कि जो परमिशन होता है उसकी जो है वैल्यू घटती बढ़ती नहीं है। भाई किसी ने आपको इनवाइट दिया तो एक ही तरह किया, भाई आप आइएगा हमारे यहाँ फंक्शन आ गया। लेकिन एक्सेप्टेबिलिटी की जो है इंटेंसिटी घटती बढ़ती है कि हम उसके इन्विटेशन को कितना महत्व देते हैं ये डिपेंड करता है रिलेशनशिप पे। मतलब कितनी एक्सेप्टेबिलिटी होती है इस परमिशन की वो डिपेंड करता है कंडीशन पे। मतलब हमारा जो है हमने एच लगाया, हमने मैग्नेटिक फील्ड लगाई यानी हमने परमिशन दिया, ये डिपेंड करता है कि ये एक्सेप्ट कितना उस मैग्नेटिक फील्ड में से एक्सेप्ट कितना करेगा, ये डिपेंड करता है उस मटेरियल पे कि उस पूरे से कितना एक्सेप्ट करेगा, ये डिपेंड करता है मटेरियल पे। और इसी को बच्चों बोलते हैं ससेप्टेबिलिटी ऑफ मटेरियल। ठीक है, ये हो गया हमारा ससेप्टेबिलिटी ऑफ मटेरियल, ये हो गया। और बच्चों इसकी रेंज बड़ी लंबी होती है। ठीक है, अलग अलग मटेरियल के लिए बच्चों बहुत लंबी रेंज होती है, अगर हम ऐसे लिखें तो 10^-3 से लेकर के काफी लंबा निकल जाता है इस तरीके से। ठीक है, जिसकी कम होगी वो मैग्नेटाइज कम होगा, जिसकी वैल्यू ज्यादा होगी वो खराक से मैग्नेटाइज हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये हमारा खटाक से मैग्नेटाइज हो जाएगा। तो बच्चों देखिए यहां पर क्या आया, यहां पर हमारे पास आया एम इजल टू झाई एम एच, आ गया होगा आपके पास समझ में आ गई होगी, ये मटेरियल भी आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको अगले टॉपिक पे ले चलता हूं और उस चीज को देखिए, इसमें बच्चे थ्योरी थ्योरी है, न्यूमेरिकल इसके बड़े इजी होते हैं, थ्योरी समझ में नहीं आती है। तो बच्चों देखिए क्या हुआ, हमारे पास हो गया म्यू नॉट एच प्लस एम, ये बात आपके समझ में आ चुकी होगी। और बच्चों जो एम आया है वो आया झाई एम इंटू एच। तो बच्चों देखिए हमारे पास क्या हुआ, टोटल मैग्नेटिक फील्ड इन मटेरियल वो बच्चों हो गया म्यू नॉट एच प्लस झाई एम इंटू एच, इस तरीके से क्या आया बच्चों, एच इसमें से हम कॉमन ले लेंगे तो आ गया म्यू नॉट 1 प्लस झाई एम इंटू एच, ये बच्चों हो गया टोटल मैग्नेटाइजेशन।
ठीक है बच्चों, ये हमारे पास हो गया टोटल मैग्नेटाइजेशन। तो अब तक बच्चों हमको तीन जो है फॉर्मूले यहाँ पे मिल चुके हैं, उन तीनों फॉर्मूले को हम एक जगह कायदे से लिख लेते हैं, वीडियो को पीछे करके हर एक पॉइंट को अपने माइंड में सोच करके, किताब में पढ़ करके, अपने कोचिंग वाले या स्कूल वाले सर से डिस्कस करके, अपने क्लास फेलो जो भी हो तुम्हारे उनसे डिस्कस करके, मेरे जैसे बहुत से लोग YouTube पे चैनल बना रहे हैं उनका वीडियो देख करके, आप इस सारे जो है चीज को एनालाइज करके कंसीडर कर लीजिएगा। कुछ नहीं है, सिर्फ खेल है, सिर्फ कहानी है, और मैंने अपना जो है सबसे अच्छा एफर्ट लगा दिया आपको समझाने में। मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आ गई होगी। ठीक है बच्चों, अब देखिए बच्चों यहाँ से कंक्लूजन बचा है, वो कंक्लूजन अपन निकालने जा रहे हैं। ठीक है, कंक्लूजन निकालने जा रहे हैं, सारे फॉर्मूले एक साथ लिखने जा रहे हैं। अब हम देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या आता है। तो बच्चों हमारे पास कुछ फार्मूले हमारे पूरे जो है कहानी से हमारे सामने निकल के आए, उस सारी कहानी को हम समराइज करने जा रहे हैं। ठीक है बच्चों, उस सारी कहानी को हम समराइज करने जा रहे हैं और फिर जो है फार्मूला फाइनल देखेंगे। तो बच्चों सबसे पहले हमारा क्या था, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी और वो थी बच्चों हमारे पास H, और दूसरा बच्चों फैक्टर है हमारा इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन वो बच्चों हो जाएगा M। ठीक है बच्चों, चलिए सबसे पहले बच्चों हमने यहां पे एक फॉर्मूला निकाला, जब हमने मैग्नेटिक फील्ड आई थी वो थी B0 = μ0H। तो बच्चों पहला फॉर्मूला आया वो आया बच्चों हमारे पास परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, वो आया बच्चों यहां से B0 / H। इसको आप ऐसे नोट कर लीजिए, पहला फॉर्मूला हमारे पास ये निकल के आया। यहां पे हमने लिखा μ0 = ये क्या है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ये हमारे पास पहला फॉर्मूला आ गया। ठीक है बच्चों, फिर बच्चों हमारे पास एक दूसरा जो हमको टर्म मिला वो मिला m = ζm। ठीक है, ζm * H। ठीक है, यानी ζm क्या हो गया वो हो गया m/H। इस तरीके से हो गया, ये हमारे पास दूसरा फॉर्मूला हो गया। और बच्चों यहां पे क्या हुआ, ζm क्या था, वो था ससेप्टिबिलिटी ऑफ मीडियम। ठीक है, ये मीडियम का होता है कि मीडियम कितना वो खींच रहा है, मैग्नेटिक फील्ड को कितना खींच रहा है, हर एक मीडियम नहीं खींचता है, ये स्पेस का है। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। और बच्चों हमारे पास क्या हुआ, एक फार्मूला हमको और मिला, वो हुआ टोटल मैग्नेटिज्म इन साइड द मटेरियल, वो आया μ0 1 ζm * H। ठीक है बच्चों, ये आ गया। बच्चों जैसे यहां पे क्या हुआ, यहां पर मीडियम हमारा क्या था, वैक्यूम था, तभी μ0 रखा। सपोज करिए वहां पर हमारे पास जो है कोई मीडियम वैक्यूम ना होकर के कोई और है, ठीक है, आयल हो सकता है, ठीक है, कोई एयर हो सकती, कोई गैस हो सकती, वहां पर मैग्नेटाइजेशन हुआ। तो बच्चों वहां पर टर्म हमारा यूज होता है, ये होता है, इसको हम बोलते हैं बच्चों परमिटिविटी ऑफ स्पेस। ठीक है, देखिए ये फ्री स्पेस है, फ्री स्पेस का मतलब है वहां पे कुछ नहीं है, वैक्यूम है, कुछ नहीं है। अब बच्चों वैक्यूम की जगह सपोज करिए कोई गैस आ गई या ऑयल आ गया, कोई लिक्विड आ गया, तो क्या हुआ, स्पेस का मीडियम बदल गया। तो स्पेस का जो है हमारी कहानी बदल गई, तो परमिटिविटी ऑफ बदल गई। अब बच्चों हमने एक टर्म पढ़ा है रिलेटिव परमिटिविटी, ठीक है, रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी में क्या होगा बच्चों, आपको पता है μr = क्या होता है, μm/μ0। ये हमारे पास इस तरीके से आ गया। ठीक है, μr = μ/μ0, यानी μm क्या होता है, वो होता है μr * μ0। ये फॉर्मूला हमारे पास और आ गया। ठीक है बच्चों, अब देखिए जैसे मैंने आपको बताया था यहां पर
इस तरीके से ये हमारे पास सोलेनाइड था। सोलेनाइड के अंदर हमने एक मटेरियल ऐसे रख दिया मैग्नेटाइज करने के लिए, मैग्नेटाइज हो गया। और बच्चों क्या हुआ कि सोलेनाइड में इस बार हमारा स्पेस ना होकर के, फ्री स्पेस ना होकर के, सपोज करिए कोई मीडियम है, ऑयल है, उसके बीच में हमने ऑयल भी रखा, ये भी रखा है, ठीक है। और ये बच्चों हमारा जो है इसके अंदर एच हुआ, ठीक है, सपोज करिए एच हुआ हमारे पास यहाँ पे। टोटल तो काम हमारा एच ही कर रहा है ना, एच ही एम प्रोड्यूस करता है, और एच के टर्म में एम को हम एच के टर्म में लिख सकते हैं, तो हमारे पास ओवरऑल एच आया, ठीक है। और बच्चों जो यहां पर जो हमारा टोटल मैग्नेटाइजेशन हो रहा है वो होगा यहाँ पे म्यू एम इंटू एच, ऐसे आप मान के चलिए, ठीक है, ये हो गया। अगर हम सोलेनाइड के बीच में कोई मटेरियल डाल दें तो बच्चों वहां पर हमारी होगी परमिटिविटी ऑफ स्पेस, फ्री स्पेस नहीं होगा, जो कि है हमारा म्यू एम, और टोटल मैग्नेटाइजेशन जो होगा वो बच्चों हो जाएगा म्यू एम एच, ये हो गया। और बच्चों देखिए ये और ये टोटल, ये भी है टोटल, ये भी है, यानी ये दोनों बराबर हो जाएगा, तो बच्चों ये जाएगा म्यू एम एच इज इक्वल टू म्यू नॉट वन प्लस, ठीक है, म्यू नॉट वन प्लस झाई ऑफ मटेरियल इंटू एच, ऐसे आ गया। देखिए एच से एच हमारा कट गया और बच्चों हमारे पास क्या आया, वो आया म्यू एम बराबर म्यू नॉट वन प्लस झाई एम, ऐसे आया बच्चों यहां पे, क्या गया, मतलब क्या हुआ कि परमिबिलिटी ऑफ ए मीडियम इक्वल टू दिस प्लस दिस, ये एक रिलेशनशिप हमारे पास आ गया। बच्चों देखिए म्यू एम हमारा क्या है, म्यू आर इंटू म्यू नॉट, ये हो गया म्यू आर इंटू म्यू नॉट, तो ये गया म्यू नॉट वन प्लस झाई एम, म्यू नॉट से म्यू नॉट कट गया, तो बच्चों हमारे पास आया रिलेटिव परमिबिलिटी इक्वल टू वन प्लस ससेप्टेबिलिटी ऑफ मीडियम, ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया बच्चों, ठीक है। मुझे पूरी उम्मीद है कि जिस किसी भी स्टूडेंट ने इस पूरे वीडियो को बहुत ही कंसंट्रेशन के साथ देखा होगा, कायदे से देखा होगा, हर एक बात पे गौर किया होगा, बाद में एनालाइज करेगा, बात नहीं समझ पाएगी तो किसी दूसरे का वीडियो देखेगा, अपने सर से जो है डिस्कस करेगा और एनालाइज करेगा, तो उसके लिए चैप्टर ये टॉपिक बहुत कठिन नहीं बचा और उसकी सारी बात समझ में आ जाएगी, ठीक है बच्चों। तो देखिये हमारे पास कुल कितने फार्मूले निकले, पहला फार्मूला ये निकला, दूसरा ये निकला, तीसरा बच्चों ये निकला, चौथा ये निकला, पांचवा ये निकला, छठा ये निकला, इतने फॉर्मूले इस पूरे टॉपिक में निकलते हैं। और बच्चों इसमें जो न्यूमेरिकल आते हैं वो बच्चों ऐसे ही होते हैं, टू प्लस टू इक्वल टू फोर, बस आपको फॉर्मूले कहां से डेराइव हुए ये पता होना चाहिए और बच्चों याद रहना चाहिए, हर एक टर्म क्लियर होना चाहिए, कहीं पर कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अगर इसकी थ्योरेटिकल या न्यूमेरिकल का क्वेश्चन आता है तो आप बहुत आसानी से कर लो, ठीक है बच्चों। तो ये बच्चों हमारा वीडियो था, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन एंड मैग्नेटाइजेशन मैग्नेटाइजिंग फील्ड और इंटेंसिटी के ऊपर। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये बात बहुत अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। बच्चों अब मिलेंगे अगले वीडियो में जिसपे मैं आपसे डिस्कस करूंगा डायमैग्नेटिज्म मटेरियल, पैरामैग्नेटिज्म मटेरियल एंड फेरोमैग्नेटिज्म मटेरियल के बारे में, ठीक है बच्चों। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है, एक नए टॉपिक के साथ। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you.